छोड़ा था। अच्छा जी, तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो कंप्यूटर की MCQs इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर रहे थे, और उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 तक जो है वो हमने कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया था कि जिसकी कुछ MCQs जो हैं चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेज के कुछ MCQs जो थे मैंने आपको मार्क करवा दिए थे। उसी से आगे फर्दर इंशाल्लाह आज हम MCQs ही मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, लेकिन द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्या कहलाता है वो, जब डेटा प्रोसेस। इंफॉर्मेशन शाबाश, इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगली चीज हमने पढ़ी थी डेटा कम्युनिकेशन की। डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रिकल मीन्स, चाहे वो सिग्नल्स हो या चाहे वो केबल हो, इसके जरिए जब भी डेटा ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे दो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के दरमियान, अब चाहे वो लैपटॉप से लैपटॉप हो या मोबाइल से मोबाइल हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर हो, जब भी किसी दो मशीन्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दरमियान जब भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। चाहे वो मैसेजेस हों, वीडियोस हों, पिक्चर्स हों, ये सब कुछ डेटा की फॉर्म होती है, तो लिहाजा ये डेटा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज सच एज ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। अच्छा जी, अच्छा अब एक मिसाल है इसकी। ये डेटा कम्युनिकेशन मशीन से मशीन के दरमियान भी हो सकती है और इंसान से मशीन के दरमियान भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे सर ये इंसान से मशीन के दरमियान कैसे हो सकती है, तो मिसाल के तौर पे कि अगर मुझे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है या मुझे कोई गाना या कोई नाद कुछ भी रिकॉर्ड करना है, तो अगर मैं अपनी आवाज़ मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है ना वो डेटा है कंप्यूटर के लिए। तो लिहाजा ये ह्यूमन और मशीन के दरमियान इंट्रैक्शन हो गई, डेटा का एक्सचेंज हो गया, तो लिहाजा इसलिए इसको भी डेटा कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला जो ब्लैंक पॉसिबल बन सकता है, ठीक है ना, वो ये है कि द डेटा ट्रांसमिशन मींस एमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन विया वायरलेस और वाइड मीडियम। तो ये हो जाएगा द डैश मींस एमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन विया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। तो अगर आपके पास बेटा पेंसिल पेन मौजूद है, रजिस्टर मौजूद है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को हाथ के हाथ लिखते जाइए ताकि आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी तो मैं बता के करा के बंद कर दूंगा, लेकिन बाद में फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी कि सर ने पता नहीं जो है वो क्या बताया था, क्या क्या समझाया था। तो लिहाजा इसका जो ब्लैंक होगा, इसका ब्लैंक बनेगा डेटा ट्रांसमिशन। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि द डेटा ट्रांसमिशन मीन्स एमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन। तो लिहाजा अभी हाथ के हाथ जो है वो आप इसको करते जाइए, लिखते जाइए, ताकि साथ के साथ आपके ब्लैंक्स बनती रहें, वरना बाद में जो है जब फिर हम इसको कर रहे होंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी कि सर ने ये जो है पता नहीं क्या करवा दिया और कहाँ से करवाया था, फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला है हमारा, अगली चीज़ है हमारे पास बेटा एनालॉग सिग्नल्स। द सिग्नल्स विच आर कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स और वेव्स डेट चेंज विद पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज डैश। तो एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि ये वो कंप्यूटर्स होते हैं कि जिनको चलने के लिए कंटिन्यूस डेटा की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं ना वो भी कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। द सिग्नल्स विच आर कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स आर नोन एज डैश। तो ये बनेगा एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, द सिग्नल्स विच आर कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स आर नोन एज डैश। तो इसका जवाब है एनालॉग सिग्नल्स। तो ये एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस सिग्नल्स को कहा जाता है, जिसकी मिसाल एनालॉग कंप्यूटर की मैंने बाइक के स्पीडोमीटर से दी थी। अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल की बात हो रही है, अगली चीज है कि अ डिजिटल एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेट इज कन्वर्टेड इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज इज नोन एज डैश। तो वो कहलाते हैं डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। ये भी जो है हमारा, ये भी एमसीक्यू उसके अंदर आ सकता है। तो लिहाजा क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू 37 के करीब है, तो पॉसिबली ये चीजें एमसीक्यू उसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद और भी एक चीज है कि इट कैन ओनली बी वन ऑफ द फाइनाइट नंबर्स रिप्रेजेंटेड एस डैश और डैश, ठीक है ना। या एस डैश होगा ऑप्शन के अंदर 0 एंड 1,
और बाइनरी लैंग्वेज भी है, जिस तरह कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उसका आंसर होगा 0 एंड 1। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जनाब यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल का जो है कंपैरिजन आ गया, ये हम कर भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा रेट और बिट रेट का यहाँ पर चीज मौजूद है, तो एमसीक्यू उसके अंदर ये चीज भी पूछी जा सकती है कि डैश इज द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड। अब डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, अब मिसाल के तौर पे इसकी यूं समझ लीजिए जैसे कि इंटरनेट स्पीड है, ठीक है, वो मेजर की जाती है केबी इसके अंदर, कि भाई आपकी अपलोड स्पीड कितनी आ रही है डेटा और डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है। तो बेसिकली ये डेटा रेट कहलाता है कि भाई कितने बिट्स पर जो है वो पर 10 सेकेंड या पर 15 सेकेंड का हिसाब निकाला जाता है। कभी आप अगर स्पीड चेक करें इंटरनेट का, तो आप देखें 5 सेकेंड या मेरे ख्याल से 8 सेकेंड वो पहले डाउनलोड स्पीड चेक करता है, फिर एवरेज निकाल के आपको बताता है। जी राणा दानियाल, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? सर अभी कितने एमसीक्यूज बताए आपने? अच्छा अभी मैंने 3 बताए, अब चौथा भी बता रहा हूँ। सर, ठीक है, सर मैंने तो 2 लिखे हैं अभी। अच्छा चलो अभी मैं बता देता हूँ तीसरा भी। तो डेटा रेट और बिट रेट उसी को कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि आप स्पीड चेक करते हैं, तो स्पीड चेक के अंदर बेटा 5 सेकंड या तकरीबन 7-8 सेकंड जो है वो पहले अपलोड स्पीड चेक की जाती है, फिर डाउनलोड स्पीड चेक की जाती है, फिर उसके बाद वो आपको एवरेज निकाल के बता देता है कि भाई आपकी स्पीड जो है ना वो ये चल रही है। तो लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे बता देता है कि भाई 1.5 MB आपकी अपलोड स्पीड आ रही है और 3 MB आपकी डाउनलोड स्पीड आ रही है या जो भी आ रही है। तो ये जो MBs और KBs के अंदर स्पीड आपको बता रहा है, ये डेटा रेट है कि भाई इतनी स्पीड के साथ इतना इतना डेटा पर 7 सेकेंड या पर 8 सेकेंड आपके मोबाइल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड इज नोन एज डैश, डेटा रेट और बिट रेट दोनों बात एक ही है। द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड इज नोन एज डैश, डेटा रेट भी हो सकता है, बिट रेट भी हो सकता है। ठीक है, अगला है एमसीक्यू हमारा कि डेटा रेट इज नॉर्मली मेजर्ड इन डैश। तो इसके दो ऑप्शन है, पहला है बिट्स पर सेकंड और अगला है इसी की शॉर्ट फॉर्म BPS। ठीक है, बिट्स पर सेकंड भी है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि इट इज नॉर्मली मेजर्ड इन डैश बिट्स पर सेकंड, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म BPS भी लिखी हुई आ रही होती है, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो लिख लीजिए कि डेटा रेट इज नॉर्मली मेजर्ड इन डैश बिट्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली चीज है, अगला एमसीक्यू बन सकता है कि डैश इज द एक्चुअल बाइनरी डिजिट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। कि बाइनरी डिजिट सबसे छोटा डिजिट जो है वो ये है कि जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है, तो ये बिट कहलाएगा। बिट इज द एक्चुअल बाइनरी डिजिट विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, इसलिए मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं ताकि आप लोग देखते जाएं। अब ये डेटा रेट वेरी करता है, अगर जितनी हल्की स्पीड है तो बिट्स पर सेकंड आपको दिखा रहा होगा बिल्कुल, अगर हल्का जैसे कि 2G या मोबाइल का जी पहले आपके, आप तो खैर उस टाइम नहीं होंगे बहुत पुराने, या होंगे तो बहुत छोटे होंगे, उस टाइम GSM डेटा चलता था, GSM डेटा, तो GSM डेटा जो होता था ना उसकी स्पीड 8 बिट या बहुत ज्यादा हुई 15-16 बिट पर सेकंड हुआ करती थी, जब मोबाइल डेटा नया नया स्टार्ट हुआ था और नए नए मोबाइल आए थे कुछ शायद 6600 या 7610 इस तरह की कोई नोकिया ने मोबाइल निकाले थे कीपैड वाले, उसमें इंटरनेट चलता था, तो उसके अंदर जो है ना ये बिट्स के अंदर सिम के अंदर स्पीड आया करती थी और रेट बहुत ज्यादा हाई फाई होते थे कि आप थोड़ा सा इंटरनेट इस्तेमाल करते थे 20 रुपए 30 रुपए आपके कट जाते थे और स्पीड आती थी बिट्स पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आई थिंक 8 बिट 10 बिट इस तरह से, या बहुत ज्यादा कोई अच्छा कनेक्शन होता था तो 18 बिट 15 बिट इसकी स्पीड आया करती थी। तो अब अगर मिसाल के तौर पे 2 MB की फाइल थी तो उसको डाउनलोड होने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगा करते थे, उसके बाद जाके वो डाउनलोड होती थी फाइल। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे छोटा बिट जो है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट है। अब उससे ऊपर अगर चले जाएंगे तो फिर KBs होता है, फिर MBs होता है। ठीक है, जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, पहले बिट्स के अंदर स्पीड आती थी, फिर इंटरनेट के अंदर जो है वो 2G आ गया, तो 2G के अंदर जो है वो KBs के अंदर के 100 KB और 50 KB के करीब स्पीड आना शुरू हो गई, फिर 3G आ गया तो उसके अंदर MBs के अंदर डेटा आपको मिलना शुरू हुआ, लेकिन यह है कि स्पीड फिर भी कमी आती है। मगर जो केबल नेट होते हैं, जो इलाके के हमारे इंटरनेट होते हैं हमने लगाए होते हैं,
उसके अंदर एमबीस की स्पीड होती है, और अब तो जो है वो जीबीस के अंदर भी आ रहा है, मगर वो बहुत महंगे पैकेज होते हैं, तो हाई ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो उसको यूज करती हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा डेटा रेट जो होता है बेटा, वो सबसे उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट्स है, और उसका जो है वो बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा जो है इस वक्त नॉर्मली यूज जो होता है वो एमबीज होता है, यानी एमबीपीएस, यानी मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ये सबसे बड़ा यूनिट इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बिट रेट्स कहलाते हैं। अब जितने ज्यादा बिट रेट बढ़ते हैं, अब वो एमबीज में हो जाए डेटा, जीबीज में होता है, जितना ज्यादा एमबीज का पैकेज होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका स्पीड बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये पहले लिख लीजिए, एमबीपीएस स्टैंड फॉर डैश, ये आएगा मेगा बिट्स, एमबीपीएस स्टैंड फॉर डैश, मेगा बिट्स पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। एमबीपीएस स्टैंड फॉर डैश, मेगाबिट्स पर सेकेंड। उसके बाद अगली लिख लीजिए केबीपीएस, ये लिखा हुआ केबीपीएस स्टैंड फॉर डैश, किलोबिट्स पर सेकेंड, केबीपीएस स्टैंड फॉर डैश, किलोबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वो तो डेटा की स्पीड थी। अब अगली चीज, जो कनेक्शन हमारे पास मौजूद है उसके अंदर जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने वाईफाई लगाया हुआ है, अब वाईफाई के अंदर जो हमने लगा दिया वाईफाई, तो मोबाइल के अंदर वाईफाई तो कोई तार थोड़ी लगा हुआ, मोबाइल जो है वो उसके डेटा को कैप्चर कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपका जो वाईफाई की स्पीड होती है वो अक्सर वाईफाई के पीछे लिखी होती है, भाई 150 Mbps तक इसकी स्पीड आ सकती है, कि आप 150 MB तक का इसका कनेक्शन, जो नॉर्मल वाईफाई होती है 150 MB का, अगर इसके अंदर स्पीड होती है कि 150 MB तक के सिग्नल ही ट्रांसफर कर सकती है, और उससे बड़ी वाईफाई लेंगे तो उसके अंदर 300 MB की स्पीड होती है, भाई 300 MB तक की स्पीड पर ये चलेगी, ठीक है ना। तो ये बॉड रेट कहलाता है कि इतनी स्पीड से सिग्नल जो है ये आपको ट्रांसफर करेगा। तो जितने सिग्नल इसको मिलते रहेंगे पीछे से, उतनी ही स्पीड से ये सिग्नल जो है वाईफाई के, जो वायरलेस सिग्नल होते हैं, ये आपको प्रोवाइड करता रहेगा। सेम गोज फॉर सिम, जो सिम का डेटा हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी, कोई सिम में हमारे पास ऐसी बात है कोई केबल तो लगी भी नहीं है, तो वो जो स्पीड हमारे पास आ रही होती है सिग्नल्स की, जो जिसपे हम इंटरनेट हमारा चल रहा होता है, उसको बॉड रेट के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा द डैश इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, द डैश इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, आंसर है इसका बॉड रेट, ठीक है। सिग्नल के आगे क्या है? सिग्नल ट्रांसमिटेड, TRANSMITTED, ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, वो स्पीड ऑफ डेटा थी बिट रेट, और ये जो है स्पीड ऑफ सिग्नल्स है, जितने सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं एक मिनट में या एक सेकंड के अंदर, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है बॉड रेट, डैश, BAUD और RATE रेट, बॉड रेट। अगला लिखिए, अब कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमने बड़े तफसील से पढ़े थे, मैं भी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, जरा मुझे किसी को याद हो तो बताएं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स थे। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कितने जो है, पांच थे। कितने थे? पांच। पांच थे, कौन कौन से थे किसको याद है? मैसेज सेंडर, रिसीवर, शाबाश, और मीडियम, मीडियम और जवाब। बिल्कुल ठीक है कि बेसिक पांच कंपोनेंट्स, जरा लिख लीजिए, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, आंसर आएगा फाइव, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम फाइव। देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, लिख लिया बेटा। राणा दानियाल, हसन लिख लिया बेटे,
सर लिख जी सर लिख लिया ओके लिख लिया अब पहली चीज आ गई मैसेज ठीक है पहली चीज है मैसेज पैगाम दूसरी चीज है सेंडर भेजने वाला उसे अगली चीज है रिसीवर रिसीव करने वाला फिर है मीडियम के मोबाइल से भेजा जा रहा है इंटरनेट से भेजा जा रहा है तो उसके बाद फिर जनाब जो मोबाइल से भेजा जा रहा है बात वो वायरलेस मीडियम से जा रहा है और अगर कंप्यूटर से भेजा जा रहा है तो वो जाएगा जनाब वायर्ड मीडियम से यानी केबल से जाएगा ठीक है ना उसके बाद अगली चीज आ गई प्रोटोकॉल कि यानी डेटा की सेफ्टी का इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद होता है कि हमारा जो डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है या नहीं है कि जिसको हम भेज रहे हैं हमने उसका प्रॉपर एड्रेस डाला है प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल हमारे पास मौजूद है या नहीं है वरना हम किसको भेजेंगे जब तक उस बंदे की पर्सनल आईडी नहीं होगी प्रॉपर एड्रेस हमारे पास नहीं होगा तो हम उस मैसेज को डिलीवर सही तरीके से नहीं कर सकेंगे ठीक है ना तो पहली चीज आ गई मैसेज के इट इज इन्फॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड ठीक है उसके बाद अगली चीज आ गई अच्छा मैसेज जो है वो हमें पता है कि टेक्स्ट मैसेज भी होता है नंबर्स होते हैं पिक्चर्स ऑडियो वीडियो और सो ऑन बहुत सारी चीजें होती हैं ठीक है जिस तरह से आजकल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कोई बोल रहा पेपर होंगे कोई नहीं होंगे लेकिन पेपर वो कर रहेंगे ये भी डालें दिमाग के अंदर हर बच्चा पूछ रहा है पेपर कब होंगे पेपर कब होंगे पेपर कब होंगे लेकिन पेपर की तैयारी है ही नहीं अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं सर पेपर कब होंगे सर डेट कब आ रही है तो ऐसी जो कुरैश मक्का थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कयामत कब आएगी कयामत कब आएगी तो आप क्या पूछते थे आप जवाब में क्या कहते थे पता है किसी को आपने जवाब में उनसे क्या कहा जब वो पूछते रहते थे बताओ कयामत कब आएगी बताओ कयामत कब आएगी क्या जवाब दिया था आपने याद है किसी को सर मैं बताऊं हाँ बताओ यही तो कयामत है नहीं 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 ऐसा नहीं है बेटा ये हदीस की बात कर रहा हूँ मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर पूछा जाता था कि जो कुफार थे कुरैश थे वो पूछते रहते थे कि कयामत कब आएगी या मोहम्मद बताइए कयामत कब आएगी बताए कयामत कब आएगी तो आप कहते थे तुम्हें कयामत की फिक्र इतनी है ये बताओ कयामत की तैयारी कितनी की है कयामत की तैयारी कितनी है तुम्हारी तुम कयामत का पूछते रहते हो तो लिहाजा वही बात मैं भी कहता हूँ कि पेपर का पूछते रहते हैं तो भाई पेपर की तैयारी कितनी है पेपर की तैयारी होगी तो फिर पेपर की फिक्र करें कि पेपर कब होंगे ठीक है ना भाई अच्छा जी जनाब तो सेंडर है उसके बाद अगली चीज कि भाई इट इज द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड्स अ मैसेज इट कैन बी अ कंप्यूटर टेलीफोन हैंडसेट एटसेट्रा ठीक है अगली चीज है रिसीवर कि एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज generally different from the sending computer. जाहिर सी बात है कि मेरे कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो अलग है दूसरे कंप्यूटर की जो आई पी है जो एड्रेस है वो अलग है उसके बाद अगली चीज है मीडियम इट इज अ चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर अगली चीज है प्रोटोकॉल के प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा ऑन कंप्यूटर ये वाला जो है तो इंपॉर्टेंट है ये मुमकिन है कि MCQs में पूछा जा सके तो उसको लिख लीजिए कि द रूल्स एंड प्रोसीजर्स द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा और नेटवर्क इज कॉल्ड डैश प्रोटोकॉल आंसर आएगा प्रोटोकॉल ठीक है लिख लिया भाई इफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क आर कॉल्ड डैश प्रोटोकॉल्स ठीक है ना अगला लिखिए कि भाई देयर आर डैश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के कितने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम के तीन होते हैं डिलीवरी दूसरी चीज एक्यूरेसी कि एक्यूरेट मैसेज ट्रांसफर हुआ है या नहीं तीसरी चीज टाइमलाइननेस कि जो टाइम मांगा गया है उसी टाइम के अंदर वो चीज डिलीवर की गई है या नहीं की गई कि अब एक चीज की एक फाइल की जरूरत है अर्जेंट उसका प्रिंट आउट करके भेजना है लेकिन बंदा उसका एड्रेस बता रहा है कल के वो फाइल कहाँ रखी हुई है तो आज का जब वक्त निकल गया जो फाइल आज ही भेजनी थी तो अब उसका कुछ फायदा नहीं है कल अगर आप उस फाइल को भेजते हैं तो वो उस चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं रहती है
तो लिहाजा देयर आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. पहली है डिलीवरी, कि मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इन द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम. सेकंड चीज है एक्यूरेसी, कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली. तीसरी चीज टाइमलाइन इज, कि द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर. लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस. ठीक है, जैसे मिसाल इसकी यू ही है कि एक बंदे की जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है या एक बंदे की वीजे की एक्सपायरी जो है वो कल है, और बंदे ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कल जमा नहीं करवाए बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके परसों जा रहा है, तो भाई आपका वीजा इतनी जल्दी रिन्यू फिर नहीं होगा जब वीजा एक्सपायर हो गया. या मिसाल के तौर पर आप किसी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और आपकी जो है वो वीजा एक्सपायरी की जो डेट है वो 10 तारीख है, और आपको जो है वो आप उस कंट्री में 10 तारीख से पहले पहले नहीं निकलते हैं बल्कि आप वहीं बैठे रहते हैं आराम से, एक्सपायर होगा तो देखा जाएगा. तो जैसे आपका वीजा एक्सपायरी की डेट गुजर जाएगी आपको गिरफ्तार करके वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा बेइज्जत करके. तो बेहतर यही है कि पहले से उसको जो है वो रिन्यू करवा लिया जाए, इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी जाए, या तो वो डेटा रिन्यू कर देंगे आपका वीजा रिन्यू कर देंगे या वहां से आपको भेज देंगे. बहरहाल तो लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस. नाउ अगली चीज हमने पढ़ी थी ट्रांसमिशन मीडियम, कि ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल इज अ वायरलेस और फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर थ्रू विच द डेटा इज सेंड एंड रिसीव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है ना. अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास तस्वीर आई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई कोएक्सियल केबल्स कौन से होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया एक होता है अनगाइडेड मीडिया. तो अनगाइडेड मीडिया की कोई मिसाल मुझे बताएगा, कि अनगाइडेड मीडिया की कोई एग्जांपल जो हम यूज कर रहे हैं. हाँ भाई, अनगाइडेड मीडिया की कोई एग्जांपल. बड़ी तफसील से बताई थी मैंने गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल्स. अनगाइडेड मीडिया की कोई एग्जांपल भाई, अनगाइडेड मीडिया के अंदर इंफ्रारेड के जरिए भी डेटा ट्रांसफर होता है और वायर के जरिए ट्रांसफर होता है. ना 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 ना, अनगाइडेड के अंदर तार के जरिए ट्रांसफर नहीं होता भाई. अनगाइडेड के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है वायरलेस मीडियम के जरिए, जैसे कि इंफ्रारेड हो गया. पहले के मोबाइलों में इंफ्रारेड आता था, उसके जरिए तस्वीरें जो है ट्रांसफर की जाती थी. उसके बाद जनाब माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स हैं, जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं टीवी रिमोट इस्तेमाल करते हैं, तो हम जितनी दूर भी बैठे हुए हों वहां से जैसे ही हम चैनल चेंज करना चाहते हैं, हम रिमोट चलाते हैं, वैसी की वैसी हमारे चैनल जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, तो ये माइक्रोवेव्स कहलाती हैं. इसी तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं वाईफाई, कि हम घर के किसी कोने में बैठे हैं, वाईफाई किसी कोने में लगी है और सिग्नल हमें मिलते रहते हैं और डेटा हम ट्रांसफर करते रहते हैं फेसबुक पे इधर उधर, तो ये हमारे रेडियो वेव्स कहलाती है. अगली चीज है गाइडेड मीडिया. तो गाइडेड मीडिया के अंदर प्रॉपर हमें उसको वायर्स देनी पड़ती हैं, जैसे कि जो केबल नेट होता है केबल इंटरनेट, या फिर केबल होता है लगा हुआ घर के अंदर टीवी के अंदर, तो ये गाइडेड मीडिया है कि तारों के जरिए इसके अंदर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है. अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पे मजीद इसकी डिटेल है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया की. ठीक है ना, लिख लीजिए पहला अगला ब्लैंक इसका मैं बता दूं आपको. सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, signals are transmitted in a narrow pathway by using physical links. signals are transmitted in a narrow pathway by using physical links in dash. So answer aayega guided media, ki the signals are transmitted in a narrow pathway by using physical links in dash guided media. Theek hai, agla blank likhiye iska. Kya hai answer, kya sir? Guided media, GUIDED, guided media. ठीक है. अब सिग्नल्स जितने भी ट्रांसफर होंगे गाइडेड मीडिया के अंदर वो केबल के जरिए ही होंगे, केबल से हट के जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते. तो यानी सिग्नल्स जो है हमने उनको बाउंड कर दिया,
कि भाई जहां से लेके जहां तक ये तार है सिर्फ इसी हिस्से के अंदर आपने सिग्नल ट्रांसफर करने हैं, जिस लोकेशन पे ये तार लगा हुआ है वहीं पे आपने सिग्नल प्रोवाइड करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर बाहर के राउटर से अपने घर में इंटरनेट लिया हुआ है केबल के जरिए, तो लिहाजा वो इंटरनेट मेरे ही कंप्यूटर के अंदर आएगा, मेरे पड़ोसी के कंप्यूटर के अंदर नहीं जाएगा, मेरा पड़ोसी का कंप्यूटर उसको कैच नहीं कर सकता, अलबत्ता मैंने वाईफाई अगर ना लगाई भी हो तो, ठीक है ना। वरना अगर मेरे डायरेक्ट केबल कंप्यूटर में लगा हुआ है तो वो सिर्फ सिग्नल मेरे कंप्यूटर को ही ट्रांसफर करेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसलिए इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं कि भाई ये बाउंड है कि सिर्फ जहां पर तार जा रहा है ये वहीं तक सिग्नल पहुंचाएगा। तो अगला लिख लीजिए कि गाइडेड मीडिया, ये अगला है, गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मीडिया, द गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मीडिया। तो इसको हम कहेंगे द गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मीडिया, तो ये कहलाएगा बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, और वायर्ड मीडिया, ये दोनों कहलाता है। वायर्ड मीडिया भी कहलाता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि वायर्ड मीडिया, और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी आ सकता है। ठीक है, गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड डैश मीडिया, तो वायर्ड मीडिया भी इसका आंसर हो सकता है, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए कि देयर आर डैश टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, तो थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, कोक्सियल फाइबर, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड। ठीक है, देयर आर मैंने बताया भी था कोक्सियल, यानी जैसे कि आप देखें कि आपके जो केबल का तार होता है उसके अंदर सिंगल एक पतला सा तार होता है, मगर उसको कितनी हिफाजत के साथ, पहले उसके ऊपर पतले से तार के ऊपर प्लास्टिक इतनी मोटी सी चढ़ी हुई होती है, फिर उसके बाद जो है वो सिल्वर का बना हुआ जो है वो एक पूरा जाल सा होता है उस पर चढ़ा हुआ, फिर उसके ऊपर जो है वो रबड़ या कहना चाहिए सिलिकॉन की जो है वो पूरी उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई होती है, तो कोक्सियल कहलाता है। उसके बाद अगली चीज है फाइबर ऑप्टिक्स, ये तो चीज ही अलग है जो आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेट वाले इस पर ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद है ट्विस्टेड, कि ट्विस्टेड यानी इसके अंदर जो तार होते हैं वो घूमे हुए होते हैं, उसके ऊपर जो है वो फाइबर के कपड़े की तरह धागे लिपटे हुए होते हैं ताकि ब्रेकेज से बच सके, जितना प्रेशर पड़े जितना ज्यादा इनको खींचा जाए ये प्रेशर से टूट ना जाए वायर्स, इस वजह से। ठीक है ना, तो देयर आर डैश टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, थ्री टाइप्स। ठीक है, तो लिहाजा टाइम जो है वो आउट होता जा रहा है, यहीं पे अपनी क्लास को हम एंड करते हैं बेटा। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की 2 मिनट के बाद शुरू होने वाली है, तो आज की क्लास में यहीं तक, यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।